एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शेयर एंड ग्रोथ रेट जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के शेयर की बात करते हैं इन जी डी पी ये अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी थ्री परसेंट है इन पाकिस्तान बट आर्थो इट्स ट्वेंटी थ्री परसेंट इन द जी डी पी ऑफ पाकिस्तान बट दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सेवन परसेंट लेबर फोर्स इस ग्राफ में हम रिपोर्ट कर रहे हैं अबाउट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जी डी पी फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी नाइन टू ट्वेंटी

फॉरस्ट्री तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते सेक्टर क्रॉपर कंट्रीब्यूटिंग मोर था जी डी पी जो कि अब है अराउंड सेवन पॉइंट एट परसेंट फिर इसी तरह अगर हम लाइफ लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो इन नाइन इट्स शेयर इन दी डी पीलेन पॉइंट

और जो आप बाकी दो सेक्टर्स अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग तो इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी इज लेस देन वन परसेंट और पिछले कोई टू डिकेड्स में वी नॉट सी सिग्निफिकेंट चेंज इन द शेयर ऑफ दिस टू सबसेक्टर्स इन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इस टेबल में हम रिपोर्ट कर रहे हैं शेयर ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक

इन द्रोथ ऑफ द राइस क्रॉप ओवर नाइन नाइन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हाँ जो हम यहां पर सिर्फ एक क्रॉप है जो आपके पास पॉजिटिव ग्रोथ इन शेयर को इंडिकेट कर रहे उसका जो शेयर है इट इंक्रीज बाई सेवेंटीन पॉइंट सिक्स परसेंट सेक्टर ने आप कहेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट ग्रोथ किया इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन जब हम इसी कंपैरिजन को एक्सटेंड करते हैं टू वर्ड विद रेफरेंस टू लाइफ स्टॉक सेक्टर तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं टाइम पीरियड फ्रॉम नाइन टू ट्वेंटी लेकिन जब आप इसी शेयर को डिस्कस करो विद रेफरेंस टू मटन तो हम वहां पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो डिक्लाइन है ऑलमोस्ट बाई फोर्टी टू पॉइंट फोर परसेंट इस ग्राफ में हम बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि हाउ मच इज कंट्रीब्यूटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर बाई डिफरेंट सेक्टर इनिशियली क्रॉप सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन फिफ्टी परसेंट इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर और वहां उस टाइम पीरियड पे लाइफ स्टॉक इज कंट्रीब्यूटिंग लेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर इज लेस देन फिफ्टी परसेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर लेकिन जब हम ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करते हैं तो वहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइंट इन शेयर ऑफ क्रॉप सेक्टर ये क्रॉप सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है अब यहां पे कह सकते हो कि ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू थर्टी परसेंट लेकिन जब आप इसी शेयर की बात करते हो विद रेफरेंस टू लाइफ स्टॉक तो ये जो शेयर है देयर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन दब सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर और जब जो आपके पास बाकी दो सेक्टर हैं फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री They have nominal contribution in the agriculture. तो ये सारा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवर टाइम देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द एग्रीकल्चर कि इनिशियली क्रॉप सेक्टर आपके पास मेजर कंट्रीब्यूटर था जो कि अब आपके पास लाइव स्टॉक सेक्टर हो गए